हरे कृष्णा दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हरे कृष्ण टीवी द्वारा प्रस्तुत इस बहुत ही ब्यूटीफुल से शो में, जिसका नाम है एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ। हर सप्ताह 3 बार हम आपको ऐसे बहुत ही सुंदर भगवान के भक्तों से मिलवाते हैं जो जीवन में अनेकों चीजें तो कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, परंतु अब उनके जीवन का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। आज के जो हमारे भक्त आपके साथ जुड़ रहे हैं और अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उनका नाम है हिज ग्रेस कृष्ण मुकुंद दास। इनका जन्म गुना मध्य प्रदेश में हुआ था 1994 में। वे कृष्ण भावनामृत से अर्थात इस्कॉन से संपर्क में आए थे सन 2008 में और उन्होंने अपना बीटेक इन आईटी किया था पुणे से और उनके इमीडिएटली एक जॉब मिल चुकी थी एक्सेंचर कंपनी में। उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अपने मित्रों के साथ स्टार्ट किया था इन इंदौर और उसे नाम दिया था ट्रांसेंडेंटल क्लासेस। वे एक ब्रह्मचारी के रूप में इस्कॉन उज्जैन से जुड़ गए थे 2017 में और तब से लेकर अब तक वे अनेकों काउंसलिंग और प्रचार की सेवाएं कर रहे हैं। फिलहाल वे बहुत ही अर्थात कई वर्षों से अब वे यूथ को बड़े ही सुंदर रूप से मार्गदर्शन करवा रहे हैं एज IYF दैट इज इस्कॉन यूथ फोरम डायरेक्टर एट इस्कॉन उज्जैन, और साथ ही में वे किचन इंचार्ज हैं एंड न्यू डिवोटी ट्रेनिंग एंड फेस्टिवल मैनेजमेंट में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर से प्रोजेक्ट पे काम किया है जो कि है वेदा फाउंडेशन, जिसका बेस फ्लोरिडा USA में है। वे वहां पर एक्टिवली इन्वॉल्व थे पूरे एक साल के लिए प्रसादम वितरण के लिए और यूनिवर्सिटी में प्रचार कार्य के लिए भी। उन्होंने अपना ऐसा एक कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी दिखाया है एज अ स्टूडेंट। वे 2 टाइम गोल्ड मेडल जीत चुके हैं मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में और कई सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी भाग लिया करते थे। आज ऐसे ही भक्त के साथ आपको हम मिलाने जा रहे हैं। ये तो उनकी अब तक की जर्नी थी, परंतु गहराई से वे कैसे कृष्ण भावनामृत में आए और आज नव युवकों को कैसे प्रेरणा दे रहे हैं, इसके बारे में आज उन्हीं के मुखारविंद से सुनेंगे। इसीलिए दर्शकों, अब आपके समक्ष प्रस्तुत है हिज ग्रेस कृष्ण मुकुंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण मानसी माता जी। Thank you very much for coming on our show today. Thank you very much, Mataji, for inviting me. I'm very grateful to Hare Krishna TV for this wonderful initiative and considering me qualified to present to the public. मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का। Thank you very much, Prabhu. And we are also thankful to you on behalf of Hare Krishna TV कि आज आप हमें live इस show के लिए जोड़ रहे हैं। So, Prabhu, हम आपसे आपकी सुंदर सी कृष्ण भावनामृत की इस जर्नी को सुनना चाहते हैं कि सबसे पहली चीज जो आपने कहा आपको इनवाइट करने के लिए, क्योंकि आज के समय पे नवयुवक बहुत सारे कार्य कर रहे हैं और उन्हीं में से एक नवयुवक है जो कि इतने यंग है और उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के लिए प्रभुपाद को समर्पित कर दिया है, तो ये अपने आप में एक प्रेरणा है। इसीलिए सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं प्रभु जी कि आपका बाल्यपन कैसा था, हाउ वाज योर चाइल्डहुड, आपका घर का वातावरण कैसा था, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी थी, वैल्यूज सिस्टम्स कैसे थे, प्लीज प्रभु। यस, आई विल जस्ट स्टार्ट विद शॉर्ट प्रेयर्स। ओम अज्ञान तिमिरंथस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जैसा कि आपने पूछा है माता जी, मैं एक्चुअली एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूँ। एज यू ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड, आई वाज बोर्न इन 1994। मध्य प्रदेश का एक बहुत ही छोटा शहर है जिसका नाम है गुना। तो मैं एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूँ और मेरे परिवार में ऐसा कोई भगवान का विशिष्ट भक्त नहीं था। तो ये दुर्भाग्य भी रहा मेरा कि मैं भक्त परिवार में जन्म मेरा नहीं हुआ, लेकिन मेरा सौभाग्य भी रहा कि मुझे कभी, क्योंकि घर वाले जो थे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, हमेशा मंदिर जाया करते थे, सब कुछ करा करते थे, और जो है मेरे विशेष रूप से जो मुझे भक्ति का जो रुझान हुआ वो प्राथमिक रूप से मेरे दादाजी
और मेरी माताजी जो मेरी माँ थी उनके व्यवहार के रूप में मुझे ये हुआ। बहुत सुंदर प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हाउ आपका बाल्यपन कैसा था प्रभु, मतलब हाउ वर यू एज अ चाइल्ड? कई भक्त होते हैं जो कहते हैं मैं बचपन से ही बड़ा ही सीधा साधा सा भगवान में समर्पित था। कई होते हैं जो कहते हैं नहीं मैं भगवान में मानता ही नहीं था, और कई कहते हैं नहीं मैं मस्ती खोर था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस मैं आनंद रूप में एक अपना जीवन जी रहा था। सो हाउ वर यू एज अ चाइल्ड? जी हाँ, विभिन्न प्रकृति के लोग होते हैं। मुझे बचपन से ही भगवान में इंटरेस्ट था, धर्म में मेरा इंटरेस्ट हमेशा से, मेरा रुझान हमेशा रहा। लेकिन इसके लिए कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण मुझे नहीं मिल पा रहा था कि अगरबत्ती क्यों लगाते हैं हम, सारे व्रत क्यों पालन करते हैं, क्यों इतने धर्म हैं और क्यों इतने भगवान हैं। तो रुझान था लेकिन कभी कुछ कारण समझ में नहीं आता था। पूछने पर पता पड़ता था कि जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा करिए, ज्यादा प्रश्न ना पूछें, आप अभी बच्चे हो। तो मेरा इंटरेस्ट तो हमेशा से रहा, और मेरा बाल्यपन जो है, मैं मस्तीखोर नहीं था, मैं सीधा साधा भी नहीं बोलेंगे, मैं एक मीडियम बच्चा था और ज्यादा मस्ती मैं नहीं करता था। और क्योंकि माता पिता ने और सारे घर वालों ने हमेशा मुझे एक अनुशासन के माहौल में रखा, और वो अभी तक उनका उनके प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि अभी तक वो चला आ रहा है। तो मैं इतना मस्तीखोर नहीं था, मेरे घर वालों को मैंने कभी परेशान नहीं किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है प्रभु जी, बिकॉज आजकल हमारे जितने भी युवक हैं और वे जब स्वयं माता पिता बन रहे हैं तो वे बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े परेशान करते हैं, और वो स्वयं बताते हैं कि हम भी अपने माता पिता को बचपन में परेशान कर चुके हैं। सो हैविंग अ डिवोटी हु हैज नॉट ट्रबल्ड देयर पेरेंट्स, इट्स वेरी डिफरेंट थिंग एंड इट्स वेरी गुड। ये बताता है कि बाल्यपन से ही आप में भक्तों के गुण, एक दैविक गुण जो होते हैं, वो जन्म से ही आपके नहीं, अंदर प्रस्तुत। थैंक यू प्रभु जी। आइए आगे बढ़ते हैं प्रभु, अब आपके युवा अवस्था के बारे में। आपने हमें पता चला कि आपने बीटेक किया है आईटी में, वो भी पुणे यूनिवर्सिटी पुणे से। सो जी हाउ वाज योर यूथ? आपने कैसे डिसाइड किया कि गुना से आई शुड स्टडी बीटेक एंड गो अहेड फ्रॉम लीविंग दैट पर्टिकुलर प्लेस? जी इस विषय में माता जी, मेरा यूथ जो है काफी इंटरेस्टिंग रहा। इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं कि मैंने उसमें कुछ गलत काम किए, इंटरेस्टिंग इसलिए कि मैं स्कूल के समय पर ही भक्तों से जुड़ गया। तो जो वह समय होता है कि जब बच्चा बिगड़ने की स्थिति में आता है, तो वो चाहे मैं भाग्यशाली हूं या भाग्यशाली, वो मेरा कभी आ ही नहीं पाया। क्योंकि मैं तो जब आप इस्कॉन के भक्तों के संपर्क में आते हैं, तभी से आपका जीवन काफी अनुशासन से पूर्ण हो जाता है। तो मैं भगवत गीता पढ़ने लगा, मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगा, और मैं भक्तों के ही संग में रहा। मैं कॉलेज में भी भक्तों के संग ही था, और जो पुणे में जो हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु का ट्रेनिंग सिस्टम है वॉइस, मैं वहीं पर रहा, भक्तों के बीच रहा, भक्तों के बीच मेरा प्रशिक्षण हुआ। तो ऐसा इंटरेस्टिंग मेरा यूथ ज्यादा नहीं रहा, बस ये है कि जो भी मैंने किया है, मेरी 9th ग्रेड के बाद से मैंने कुछ भी किया है भक्तों के साथ ही किया है, उसके पीछे भी काफी रोचक कहानियां हैं, तो वो आगे बताने का मैं प्रयास करूं। एक आधी कहानी यहाँ पे। तो आप पहले तो प्रभु कौन से ईयर में, मतलब कौन से स्टैंडर्ड में जुड़े थे? माता जी, मैं 9th क्लास में था, 2008 की ये बात है। मुझे अभी भी याद है कि मेरे एक बहुत ही परम प्रिय मित्र मेरे हुआ करते थे, जो 6वीं क्लास से लेकर अभी तक मेरे मोस्ट डियर फेवरेट फ्रेंड है, जो है हिज ग्रेस कृष्ण किशोर प्रभु। तो ओके हम दोनों का ही धर्म के पीछे काफी रुझान था, और वो 8th क्लास के एंडिंग में भक्ति में जुड़ गए थे, और फिर उन्होंने मुझसे लगभग बात करना बंद कर दिया क्योंकि वो इस्कॉन भक्त बन गए। फिर मैंने सोचा ऐसा क्यों। फिर मैं भी धर्म के काफी दिखावा तो काफी करता था। मैं मेरे घर पर जो भगवद गीता थी, जो हमारे जो फैमिली ट्रेडिशन से चली आ रही थी, तो मैं उनके पास लेकर गया। 9th क्लास की बात है, जुलाई का महीना था, मुझे अभी भी याद है। और फिर उन्होंने प्रभुपाद जी की भगवद गीता मेरे सामने प्रस्तुत करी यथारूप। मैंने मेरी भगवद गीता प्रस्तुत की जो हमारे फैमिली ट्रेडिशन की थी, तो काफी वाद विवाद हुआ। फिर मैंने उनसे ये कहा कि देखिए, आप भी इस्कॉन में हैं, मैं भी धर्म के प्रति काफी जागरूक भी हूँ और मेरा रुझान भी है, तो आप मुझे ये प्रमाणित करें कि कृष्ण भगवान है। अच्छा
और मुझे मुझे ही विश्वास नहीं था कि वो सच में कर भी देंगे। उन्होंने एक इतने बड़े A4 साइज पेपर पर पूरी सृष्टि की रचना मुझे समझा दी, कैसे कृष्ण से बलराम आते हैं, चतुर्व्यूह, उसके बाद नारायण, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, ब्रह्मा, देवतागण, एक एक ब्रह्मांड। तो उन्होंने पूरा एक पेपर है मुझे समझा दिया और मैंने उस समय हार मान ली। मैंने कहा मैं आपकी भगवद गीता पढ़ूंगा और मुझे क्या करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे एक महामंत्र का कार्ड दिया और कहा कि आज से आप जप चालू करें और भगवद गीता का पठन चालू करें। तो ये 2008 जुलाई मेरी 9th क्लास की बात। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है प्रभु, जहाँ पर आज के युवक अनेकों चीजों के बारे में चर्चा कर सकते हैं, वहां पर एक युवक जाके अपनी भगवद गीता युवक क्या, एक बच्चा जाकर, एक 14 साल का बच्चा जाकर अपने मित्र से कहता है कि आप मुझे प्रूव करो कि भगवान होते हैं। आज के बच्चों को कहा जाए, जैसे कि आप यूथ प्रीचिंग करते हैं प्रभु, तो अनेकों नवयुवक या फिर बच्चे होते हैं जो टीनेज में होते हैं पर्टिकुलरली, उनको इस टॉपिक पे जी डिस्कशन ही नहीं करना होता है, या फिर मैं नहीं मानता तो नहीं मानता, आप क्यों उस टॉपिक के बारे में बात भी कर रहे हो। बट उस समय पर, एंड ये सब चीजें प्रोजी आपने बताई वो गुना में ही हो रही थी। जी माता जी, मैं गुना में ही, हमारा स्कूल था वहीं पर, मैं था वहीं पर है ये सब। वेरी नाइस। तो गुना नामक क्षेत्र में आप स्कूल में ही अपने एक मित्र से जाकर भगवद गीता प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं, और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपके इतने प्रिय मित्र हैं वो, कि उन्होंने आपको प्रूफ भी कर दिया। सो दैट वाज कृष्णास अरेंजमेंट। पर कृष्ण किशोर प्रभु तभी क्या इस्कॉन वहां पर गुना में था, तभी वो कैसे जुड़े थे? जी नहीं माता जी, ऐसा कोई रजिस्टर्ड केंद्र हम नहीं कहेंगे, बट एक भक्त थे बहुत वरिष्ठ जो कि पुणे और मुंबई से भक्त बने हुए थे। तो क्योंकि शादी करके वो हमारे शहर में सेटल हुए और फिर उन्होंने स्कूल के बच्चों को प्रचार करना चालू किया, अपने घर पर बुलाकर जो है वो पूजा अर्चना करते थे, प्रवचन करते थे भगवद गीता पर और प्रसाद भी खिलाया करते थे। तो काफी वरिष्ठ भक्त हैं वो। तो वैसे ही जुड़ते जुड़ते, ऐसा कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं था, बस ये कहा जाता था कि अपने दोस्तों को जोड़िए। चूंकि मैं दोस्त था तो उन्होंने मुझे जोड़ने का प्रयास किया और आज मैं यहाँ पर आपके समक्ष हूँ। ये बात है, इसीलिए। और आप प्रभु जी कह रहे थे कि आप ये कथा बाद में बताएंगे, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिससे हमें पता चले कि एक नव युवक आज जो खुद युवकों को प्रचार कर रहे हैं, उनकी खुद की कृष्ण भावनामृत की जर्नी कैसे शुरू हुई। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, इतने सुंदर रूप से ये बात को शेयर करने के लिए। फिर इसके बाद हाउ वॉज योर 11th 12th स्टैंडर्ड एंड हाउ डिड यू मूव टू पुणे? यस, तो उसमें भी एक बड़ी रोमांचक कहानी है माता जी। तो काफी इंटरेस्टिंग उसमें भी रहा कि मैं 10th क्लास में जो मेरे मित्र थे कृष्ण किशोर प्रभु, उनके पास जाता रहा करता था। और मेरा रुझान था बचपन से ही, क्योंकि भक्ति में भी मुझे रुझान था राजा महाराजाओं की तरफ, बड़े बड़े जो राजा हुए हैं, महाराज परीक्षित, युधिष्ठिर, तो इनकी तरफ ज्यादा रुझान था कि ये बड़े बड़े क्षत्रिय राजा कैसे प्रजा चलाते थे, हाउ दे वर सो मच प्रिंसिपल सेंटर्ड, वैल्यू सेंटर्ड, नॉट सेल्फ, यू नो, नॉट सेल्फ सेंटर्ड। तो मुझे काफी अच्छा लगता था और मेरा सपना था, मतलब मेरा इंटरेस्ट था कि मैं या तो आर्मी में जाऊं डिफेंस में या फिर मैं मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी करूं। और जब मैं उनके घर पर पहुंचा तब चर्चा चल रही थी कि कैसे जो मेरे मित्र हैं वो कोटा जाकर IIT की तैयारी करने वाले हैं। तो फिर मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि मेरे जो सपने हैं वो तो ठीक है करेंगे पूरे, लेकिन भक्तों के बिना रह भी नहीं सकते, क्योंकि भक्तों के संग में मुझे इतना अच्छा लगता था और आज तक केवल वही चीज मुझे भक्ति में चला रही है। तो मैंने सोचा 2 साल मैं इनके साथ जाता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैं 2 साल इसलिए 11th और 12th में, हम 4-5 लोग साथ में ही कोटा में गए और वहां पर भी 11th 12th में हम हमेशा 4:30 बजे उठ जाया करते थे, माला का जप किया करते थे, फिर हमारी पढ़ाई करते थे, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते थे और रात में जल्दी भगवद गीता पढ़कर सो जाया करते थे। तो 11th 12th भी मेरा भक्तों के बीच में ऐसे नियमित जो है शेड्यूल में ही बीता। दिस इज सो इंस्पायरिंग प्रभु जी, आई कांट बिलीव दिस। मतलब 16-17 साल के बच्चे एक तो घर से दूर रह रहे हैं कोटा में, और वहां पर रोज सुबह में जल्दी उठकर साधना अपनी समाप्त करना, और रात को सोने से पहले भगवद गीता पढ़ के सोना, दिस इज नॉट नॉर्मल।
इससे ये जो पॉइंट लिखा है कि आप इस्कॉन उज्जैन से जुड़े 2017 में, उसके कई सालों पहले ही एक्चुअली आपकी कृष्ण भावनामृत की जर्नी बहुत सुंदर रूप से शुरू हो चुकी। तो चारों पांचों मित्र प्रभु जी जो आप थे वो सभी भक्त थे? हाँ जी माता जी, हम सब जो है साथ में ही रहते थे, साथ में ही सुबह मंगल आरती करते थे, फिर उसके बाद जप किया करते थे, फिर संडे को कभी कभी हम खुद से भी प्रसाद बनाते थे, बुक रीडिंग साथ में करते थे और पढ़ाई भी साथ में करते थे, तो वो कभी हमने छोड़ी नहीं। और सारे भक्त थे, आज भी सब संपर्क में है और सब बहुत अच्छे भक्त। हम अक्सर अपने क्षेत्र में रहते हैं तो बड़े प्रसन्न रहते हैं, स्पेशली मुंबई में, पुणे में, जहाँ पर भक्तों का संघ इतना सुंदर है, और उसमें भी कमेंट्स बड़े हम कर लेते हैं कि हाँ ये भक्त वैसे हैं, हाँ यहाँ पर मंदिर में ये तकलीफ है, पर ऐसी स्थिति, और मेरे ख्याल से तभी कोटा में मंदिर भी नहीं था। जी नहीं माता जी, केंद्र अभी रिसेंटली ही एक केंद्र कोटा में डेवलप हुआ है, शायद वहां दयालु गौर प्रभु कोई एक भक्त हैं, वो हैं, अभी रिसेंट में ही हुआ है जब हम वहां से चले गए थे, नहीं तो हम साथ में ही दो कमरे लेकर रहते थे, साथ में ही सब कुछ करते थे। तो उस समय पे जब भक्तों का संग भी, मतलब मंदिर पास में नहीं था, कोई बड़ा इंस्ट्रक्ट करने वाला नहीं था, आजकल तो इतने भक्त है, ब्रह्मचारी है जो कि मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है, पर उस समय पे जस्ट 16-17 years old बॉयज अपने आप में ही इतनी सिंसियरली, मतलब IIT की तैयारी भी कर रहे हैं और इतने सुंदर रूप से कृष्ण भावनामृत को फॉलो भी कर रहे हैं। प्रभु जी कभी मन भटका नहीं? क्योंकि मैं खुद ऐसे लोगों को जानती हूँ जो इसी प्रकार से सेम स्टोरी जो आप बता रहे हैं, अपने मित्रों से कृष्ण भावनामृत में आए, स्कूल में एक गया, दूसरे को जोड़ा, फिर 11th-12th में एक मित्र था वो कोटा गया, तो सोचा साथ में ही चले जाते हैं कोटा, दोनों भक्त थे, अब वो वहां पर गए तो दोनों ही थोड़े थोड़े भटक गए, उनमें से एक आध, मतलब आदत लग गई, दोस्त थे मित्र थे तो गेमिंग जोन, खाना पीना बाहर का, घर से दूर है, घर से दूर रहना नहीं था, और बॉयज में प्ले स्टेशन बड़े कॉमन होते हैं, तो ये ब्लेसिंग भी है। सो आई वॉन्ट टू, एंड आई एम श्योर आप जिस एज की बात करें, समय की बात करें, वो भी उसी समय की, मतलब एक आधी सौ दो साल आगे पीछे हैं प्रभु जी, 2011-12 की बात है ये भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप भी उसी समय पे थे वहां पर, तो क्या आप लोगों का कभी मन भटका नहीं कि क्यों करना है ये सब? ठीक है थोड़ा बहुत कर रहे हैं, पर इतना स्ट्रिक्टली क्यों करना है? हाउ डिड यू कंट्रोल योर सेल्फ, या कभी ऐसी चीजें ही नहीं हुई? जी माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत व्यवहारिक प्रश्न भी है। हाँ बहुत सही बात है कि भटकने के काफी आशंका रहती है, एनीवन कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड इन दिस एज वेयर यू नो वी आर डेवलपिंग एज अ टीनेजर, बट ऐसा नहीं था कि हम अकेले ही थे, हमें हमें हमेशा भक्तों का मार्गदर्शन हमेशा मिलता था हमारे सीनियर्स का। एक एक हमारे बहुत वरिष्ठ भक्त थे जो कि IIT बॉम्बे में उस समय पढ़ रहे थे, तो वो भी रेगुलर हमारे पास आया करते थे, हमें ये बतलाने कि कैसे कोटा में हमको पढ़ाई फोकस तरीके से रखनी है, और अगर पढ़ाई अच्छे से रखेंगे, करियर अच्छा बनाएंगे, तो भक्ति अच्छे से चलेगी, और कैसे हमको बाहर के जो ये भटकाव हैं इनसे हमें दूर रहना है, हाउ वी शुड स्टे अलूफ फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शंस, और चैंटिंग हमें अच्छे से करनी है, भक्तों के संग में रहना है हमेशा, क्योंकि मैं भी सोचता था कि अगर बाहर इतना ही आनंद है तो लोग अपना आनंद बदलते क्यों रहते, ये मेरा हमेशा प्रश्न रहा करता। लेकिन फिर इस्कॉन में आके मुझे समझ में आया कि यहाँ बदलने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ इतना आनंद हर चीज में मिलता है, और इसमें कुछ कभी कोई हानि नहीं होती, आपकी पढ़ाई चल रही है, आपका घर पे आपका संपर्क बहुत अच्छा है, ऊपर से आप आत्मा का विकास भी कर रहे हैं, यू आर डेवलपिंग योर सेल्फ, तो आई वॉज सीइंग ऑल अराउंड डेवलपमेंट इन इस्कॉन, तो इसलिए मुझे कभी छोड़ के जाने की इच्छा ही नहीं। वेरी नाइस, सो हियर इज द सीक्रेट, मतलब यू वर, भले ही कोटा में आपके पास भक्तों का संग था, पर एक वरिष्ठ डिवोटी थे जो कि बॉम्बे से आए थे, बॉम्बे से खुद वहां पर आपको संग देने आते थे। दैट्स वेरी जी ब्यूटिफुल प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। सो दर्शकों, इससे आपको समझ आता है कि हमेशा जीवन में किसी एक व्यक्ति का, भगवान कृष्ण के भक्त का आपको मार्गदर्शन मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रभु जी तो बड़े ही साधु पुरुष हैं, उनके अंदर ये जो गुण थे ये बहुत ही नेचुरली थे, और हर व्यक्ति अलग होता है, कई चीजें हम पिछले जन्मों से लेकर आते हैं, इसीलिए आज प्रभु जी ब्रह्मचर्य में हैं, परंतु हर व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग परिस्थिति से जी रहा होता है, अलग अलग कठिनाइयां होती है,
पर किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, मन भटके या ना भटके, मन प्रश्न करे या मन प्रश्न ना करे, फिर भी हमें अपने आप को एक किसी भक्त के संरक्षण में रखना बहुत आवश्यक है, तो आप बच सकते हैं। Then प्रभु जी, how was your life in Pune? Because आपने कहा पुणे मंदिर से जुड़ चुके थे तभी वहां पर, so I am sure आपने पुणे चूज भी इसीलिए किया होगा, because it was association over there. Or how was it? It was just admission मिल गया तो आप चले गए? जी माता जी, आपने सही कहा, चूज भी मैंने पुणे का चयन भी इसलिए किया कि वहां पे भक्तों का जो संग है वो बहुत स्ट्रांग है, और जैसा कि क्योंकि मुझे भक्तों ने कहा कि वहाँ अगर हम जाएंगे तो संघ बहुत बहुत यू नो बहुत स्ट्रांग है और आपका ट्रेनिंग अच्छा होगा बिकॉज देयर इज सच स्ट्रांग एसोसिएशन, तो मेरे को लगा शायद इससे करियर मेरा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, बट वो भी नहीं हुआ। एंड व्हेन आई गॉट कनेक्टेड तो वहाँ जो है भक्तों का इतना अच्छा संघ है, आई एम एवर ग्रेटफुल एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु फॉर क्रिएटिंग सच अ सिस्टम। वहाँ मेरा बहुत अच्छा प्रशिक्षण हुआ, और वहाँ के अलावा मैं उज्जैन भी आया जाया करता था, क्योंकि सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन वहीं पर हुआ था 2010 में जब मैं सबसे पहली बार उज्जैन गया था, तो मैं पुणे मंदिर से भी कनेक्टेड था, मैं उज्जैन भी आया जाया करता था, तो हर जगह भक्तों के बीच में ही मेरी जिंदगी थी और भक्तों का ही परिवार मेरे आसपास था, तो मैं काफी सुरक्षित महसूस करता था, तो इस तरीके से मेरी कॉलेज लाइफ भी इसी तरीके से बीती। And then when you got a job, Prabhu, when in Accenture, how was that work life? Yeah, that's a very interesting question. Work life, Mataji, corporate, आप भी जानती हैं किस प्रकार से होता है, so कॉर्पोरेट लाइफ में भी जितना हमने फेस किया, कभी डर लगता था कि हम भटक ना जाएं, वी मे नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, एंड कि जो हमारे व्रत हैं, कमिटमेंट्स हैं, चैंटिंग के, एसोसिएशन के, हो सकता है कम ना हो जाएं, बट अगेन आई वाज ऑलवेज इन स्ट्रांग एसोसिएशन, तो वो नौबत भी कभी नहीं आई। हाँ, ये है कि कभी जब हम बाहर गए तो हमने ये देखा कि किस प्रकार लोगों का जीवन काफी खाली है, how much hollow people are from inside, they're trying different things, they're earning money, they're getting independent, they're trying all sort of new things, sab naye naye prakar ke sadhan wo prayatn kar rahe hain, lekin fir bhi santosh nahi ho pa rahe, fir bhi hum mandir mein aate hain, you know, solution dhoondne ke liye, aur ek hum hain jahan hamare paas bhakton ka sang hai, sab kuch hai, to wo difference main dekh paya, और जितना मैं परेशानी में भी जाता था उतना आई यूज टू फील ग्रेटफुल टू डिवोटीज कि मैं उनके संग में हूं और मैं अभी तक इस प्रकार से बचा हूं। दैट्स ब्यूटीफुल। प्रभु जी, व्हेन डिड यू डिसाइड टू बिकम अ ब्रह्मचारी? आपने कब निर्णय लिया कि आपको अपना जीवन एक ब्रह्मचारी के रूप में बिताना है? जी, वास्तव में ऐसा मेरा बचपन से कभी विचार नहीं था, मैं हमेशा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा धर्म के प्रति भी जो रुझान था, सो आई वॉज इंक्लाइंड टू हीरोइक कैरेक्टर्स, जैसे राजा हुए, हनुमान जी हुए, और ये सब तो आई काइंड ऑफ फैंटेसी आई हैड, बट फिर जब मैंने जॉब किया और फिर जब हमने हमारा स्टार्टअप खोला कोचिंग इंस्टीट्यूट का, फिर मुझे धीरे धीरे लगा कि ये जो ज्ञान है भगवद गीता का, श्रीमद भागवतम का, सबसे ज्यादा जरूरी इसको फैलाना है संपूर्ण दुनिया, क्योंकि अगर मेरा जीवन सुधर सकता है और इतना सुंदर बन सकता है, तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर भक्त होंगे और भगवद गीता का ज्ञान होगा, तो उसका जीवन भी वैसे ही आकर्षक और सुंदर बन जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, कुछ बलिदान देने होंगे, तब मैंने निर्णय किया कि मैं ये करने का इच्छुक हूँ और मैं दुनिया सुधारने के क्षेत्र में ये करना चाहता हूँ। प्रभुजी, अभी तक आपने बताया हमें कि आपके माता पिता बहुत ज्यादा धार्मिक, मतलब किसी, हाँ, बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं, बट हाँ, दे वुड फॉलो द प्रिंसिपल्स, डिसिप्लिन लाइफ, ये सब। एंड जब उन्होंने आपको देखा, ऑब्वियसली आप इतने सालों से भक्ति कर रहे, तो वो समझ ही चुके थे कि हमारा बच्चा किसी से जुड़ा है, अपने विजन्स क्लियरली, मतलब भगवान की भक्ति कर रहा है, बट जब उन्हें पता चला बेटा हमें छोड़ के जा रहा है, तब आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? जी,
प्रतिक्रिया तो परिवार की अभी भी आती है तो जो जो कि बहुत ही इट्स वेरी वेरी नेचुरल, क्योंकि लेकिन मेरे साथ ये अच्छी चीज हुई कि वो भी जैसे कि हम जानते हैं कोई भी नहीं चाहता है कि उनका जो बच्चा है जिस पर सारा भविष्य घर का टिका हुआ होता है तो वो जाकर साधु बन जाए। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये चीज चलती थी कि अगर मैं इतना कुछ अच्छा कर रहा हूँ, इफ आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट, तो मैं बताता व्हाई आई डोंट शो इट। तो मैं मेरे पेरेंट्स को मंदिर लेकर गया एक बार। एक बार वो मंदिर गए, देयर दे मेट हिज ओल्ड शिवला भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज, माय स्पिरिचुअल मास्टर। उनका व्यास पूजा था उस समय, तो वहां जाकर उन्होंने देखा, और उन्होंने देखा कि किस प्रकार इतने अगर जो ब्रह्मचारी भी हैं वो कितनी सेवाएं कर रहे हैं समाज के लिए, कितना कुछ कर रहे हैं। दे आर एंगेज्ड मोर देन अ पर्सन हु इज वर्किंग इन कॉर्पोरेट। पहले उनको संशय होता था कि मैं शायद ऐसा बाबा जी बनूंगा जो हिमालय पर चला जाएगा, लेकिन उन्होंने देखा कि आई एम एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड सोसाइटी, वी आर इम्प्रूविंग यूथ्स, हम युवाओं की आदतें सुधार रहे हैं, इतनी सेवाएं कर रहे हैं, प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, इतना शुद्ध जीवन जी रहे हैं। तो जब मेरे परिवार वालों ने, एंड आई हैव अ जॉइंट फैमिली, 10 लोग साथ में रहते, तो पेरेंट्स पहले आकर जाकर गए, उन्होंने सब कुछ देखा, भक्तों से मिले, बहुत आकर्षित हुए। मन में दुख था कि हाँ बच्चा साधु नहीं बनना चाहिए, लेकिन संतुष्टि भी थी कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, एंड दे वर सेटिस्फाइड। और फिर मेरे चाचा चाची मंदिर आकर गए, तो उन्होंने भी देखा कि मंदिर में कितनी गतिविधियां होती हैं इस्कॉन के मंदिर में, और कितनी सेवा लोग करते हैं। सुबह के उठते हैं, रात भर सेवा करते हैं, रात तक सेवा करते हैं, नियमित जीवन जीते हैं। तो वो काफी आकर्षित हुए, फिर उन्हें लगा कि एक काफी अच्छा निर्णय उन्होंने लिया। उनकी उम्मीदें टूटी जरूर, जिसका मुझे भी दुख है, लेकिन फिर वो भी समझे कि एक बहुत अच्छा योगदान मैं समाज में कर रहा हूँ, और एक बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूँ, अच्छा चरित्र बना रहा हूँ, और हजारों लोगों को सुधार भी रहा हूँ। तो वो इस चीज से काफी प्रसन्न हुए और काफी आशीर्वाद उन्होंने फिर। दर्शकों, अनेकों लोग हैं जो कि संसार में बड़े बड़े सपने लेकर चलते हैं। देश को बदलेंगे, दुनिया को बदलेंगे, इकोनॉमी को चेंज करेंगे, बड़े आदमी बनेंगे, बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे, बड़ी पैसों की कमाई करेंगे, पर निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को कोई समर्पित नहीं करता है। भले ही हम कितने भी बड़े बड़े एनजीओ खोल के बैठ जाए, कोई पर भी आज के समय में कोई ऐसा एनजीओ नहीं है जो कि बिना लक्ष्मी के या स्वयं का जीवन कोई भी व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के समर्पित कर रहा है। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ लाभ तो छुपा ही होता है कि हमें रिकॉग्नाइज किया जाए, हम दुनिया में कुछ और बड़ा काम कर सके। परंतु जैसे प्रभु जी हैं, इन्होंने अपना जीवन एक ब्रह्मचारी के रूप में जब समर्पित किया, तो उनका आप विजन देखिए, उनका आप नजरिया देखिए। और जब उन्होंने प्रभु जी बड़े सुंदर रूप से बता भी रहे हैं दर्शकों हमें कि उन्हें बहुत दुख भी हो रहा था कि उनके माता पिता परिवारजनों को दुख हो रहा था कि वो इस ब्रह्मचर्य में प्रवेश कर रहे हैं, परंतु जो नजरिए से उन्होंने इस बात को प्रकट किया कि इस्कॉन मंदिर में वे अनेकों सेवाएं कर रहे हैं, जहां पर अनेकों नवयुवकों को वे मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये समाज, प्रभु जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि ये संसार बड़ा ही खोखला हो गया है। भले ही हम चेहरे पे बड़ी सुंदर हंसी दिखाते हैं, घरों को बड़ा आलिशान महल बना रहे हैं, पर हृदय तो सबका ही बहुत ही खाली हो रखा है, खोखला हो रखा है। और प्रभु जी जैसे जो साधु हैं, ब्रह्मचारीज हैं, वो उनके जीवन को सच में रंग भर रहे हैं। तो प्रभु जी, हम बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आप इस विजन को लेकर ब्रह्मचर्य में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि आज तो हम आपसे बात कर रहे हैं इसीलिए हमें आपकी ये बातें पता चल रही है। परंतु ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं, ऐसे बहुत सारे युवक हैं जो अपने जीवन को जब समर्पित करना चाहते हैं तो समझ में नहीं आता है, उन्हें यही भय लगता है कि हमारा बच्चा करने क्या वाला है। पर जैसे आपने कहा, और आपकी फैमिली की जो अंडरस्टैंडिंग थी बहुत ब्यूटीफुल थी, कि बच्चा अगर कॉरपोरेट में चला जाता तो वो क्या करता, पैसे कमा लेता, सेवाएं कर लेता, बड़ा नाम वाम कमा लेता, पर यहाँ पर तो सच में ये लोगों की जिंदगी को पूर्ण रूप से बदल रहे हैं।
So they also were happily agreeing to it. That was a very beautiful thing. Thank you, Prabhu ji. दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगी इस समय प्रभु जी जहां पर उपस्थित है और अभी अभी उन्होंने अपने एक फैमिली को खोया है और फिर भी प्रभु जी हमारे पास इस शो में जुड़े हुए हैं। ये उनकी उदारता है कि आज वो ऐसे समय पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए वे हमारे समक्ष उपस्थित है क्योंकि हमने उनसे बहुत निवेदन किया था। अक्सर लोगों को लगता है कि ब्रह्मचारी बनने से सारे चीजों को त्याग दिया जाता है परंतु ऐसा नहीं है। प्रभु जी इसका एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। उनकी जो जिम्मेदारियां थी जब उनके फैमिली में से एक व्यक्ति ने जो कि प्रभु जी मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहूंगी प्रभु जी स्वयं कहें, तो उन्होंने जो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं हम उन्हीं के मुखारविंद से सुनना चाहेंगे। प्लीज प्रभु। थैंक यू माता जी। विशेष रूप से मेरे जो गुरु महाराज हैं श्रील भक्तिचारु स्वामी महाराज, तो इसके लिए सारा क्रेडिट उनको जाता है क्योंकि वो हमेशा कहा करते थे कि भक्ति करने से भगवान को जीवन अर्पित करने से किसी को घाटा नहीं हो सकता। कि जब हम परिवार के लिए जीवन व्यतीत कर देते हैं, देश के लिए कर देते हैं, उन व्यक्तियों को कितना याद किया जाता है, तो अगर कोई भगवान को जीवन समर्पित कर दे तो उसको कभी घाटा नहीं होगा, तो कभी उसका लॉस नहीं होगा, उसको फायदा ही फायदा है। और कभी वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता है, बिकॉज जैसा कि मैंने पहले बताया, जो अगर मैंने ब्रह्मचारी आश्रम में जाने का निर्णय लिया, माय मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वाज माय स्पिरिचुअल मास्टर श्रील भक्तिचारु स्वामी गुरु महाराज, क्योंकि वो एक एग्जेम्पलरी कैरेक्टर थे और ही वाज एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। ऐसा कुछ नहीं था जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं थे। दुनिया में मैंने बहुत लोगों से मैं मिला, विदेश गया, लेकिन किसी हर चीज में वो भगवान की ही शक्ति थी, वो हर चीज में एक्सपर्ट थे और उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। और फिर मैं जब अमेरिका गया प्रोजेक्ट में, मैंने सेवा करी, फिर वापस आया, मेरे परिवार वाले भी, मेरे माता पिता आए। फिर 2020 में जैसा कि मुझे पता पड़ा कि क्योंकि कोरोना वायरस थोड़ा आ चुका था, लॉकडाउन लग चुका था, तो 2020 में मेरी माता जी थोड़ी बीमार हुई। और नवंबर की बात है, दिसंबर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर मैं घर पर वापस आ गया और मैं मेरी माँ के साथ ही रहा, ट्रीटमेंट करवाया, और एक महीने जनवरी का पूरा महीना मैं मेरी माँ के साथ अस्पताल में रहा। और मंदिर प्रबंधन से भी मुझे ये सुविधा मिली थी, ऑल डिवोटीज वर सो मर्सीफुल दैट दे सेड कि आपकी माँ की सेवा करना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है अभी। और उस समय मैं आपको बताऊं माता जी, हमारे उज्जैन में एक यूथ फेस्टिवल, ऑनलाइन यूथ फेस्टिवल चलने वाला था जिसमें कि करीबन 10,000 यूथ आने वाले थे और मैं उसका इंचार्ज था। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मुझे आईसीयू के बाहर से बैठकर भी मीटिंग्स लेनी पड़ी सारी डिवोटीज। तो ऑनलाइन आई वॉज एबल टू कोऑर्डिनेट, बट ऑफलाइन मैं ग्राउंड पर मौजूद नहीं था, तो एक दूसरे भक्त जो है उन्होंने सारी जिम्मेदारियां ली, उन्होंने किया उसको। तो सेवा भी साथ में चल रही थी, माँ की सेवा भी साथ में चल रही थी। एक महीना मैं अस्पताल में रहा, फिर 5 महीने मैं मेरे घर पर रुका क्योंकि मेरी माँ उस समय बीमार थी। और एकदम ही मई 2021 में माई मदर लेफ्ट हर बॉडी और मैं अंत तक उनके साथ था। तो जिससे मुझे भी आत्मविश्वास हुआ कि अगर मैं कॉरपोरेट में होता या कहीं बड़ी जगह काम कर रहा होता तो जब तक मैं वापस लौट पाता तब तक सारा कार्यक्रम खत्म हो गया होता। बट फॉर 6 months आई वॉज एबल टू सर्व माई मदर एंड माई फैमिली वॉज वेरी हैप्पी सीइंग दिस कि ब्रह्मचारी बनने के बाद भी जो है अंत समय तक माँ की सेवा करने में मैं सक्षम रहा, जो कि मेरे परिवार जनों का आशीर्वाद है, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद, भक्तों का आशीर्वाद मेरे सर पर था। तो इसके बाद जो है, हाँ ये भी जिंदगी में काफी एक सेटबैक था, आई वॉज वेरी वेरी डिस्टर्ब, बट भगवान की प्रेरणा रही कि भगवान ने शक्ति दी, भक्तों के संग में शक्ति मिली, तो और आगे फिर मैं भक्ति करता रहा। फिर पिछले साल इन अगस्त 2022
माय फादर लेफ्ट हिज बॉडी सडनली इन एन एक्सीडेंट ही लेफ्ट हिज बॉडी सॉरी। फिर तब भी मैं घर पर रहा, 3-4 महीना घर पर रहा, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज थी वो करी। और मेरे परिवार वाले भी, मेरे परिवारजन भी इतने, मतलब दे आर वेरी वेरी नाइस एक्चुअली, क्योंकि उनका आशीर्वाद और सपोर्ट नहीं होता तो मैं आज तक यहाँ तक नहीं पहुंचता, क्योंकि वी हैव अ जॉइंट फैमिली। तो तब भी उन लोगों ने हमको इतना सपोर्ट दिया, और अब मतलब क्योंकि बचपन से ही घर में हमेशा यही माहौल रहा कि हम, देर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन, ज्वाइंट फैमिली के रूप में देर वॉज ऑलवेज कोऑपरेशन। तो जब ये सब भी हुआ, मेरे पिताजी की भी मृत्यु हुई, तब भी सबने सहयोग किया। फिर अभी रिसेंट में 3 अप्रैल को ही मेरे दादाजी ने अपना शरीर त्याग किया, तो अभी वापस मैं घर आया हुआ था। तो इस प्रकार से 2 साल के अंदर घर में 3 परिवारजन जो कि बहुत ही मुख्य थे, उन्होंने अपना शरीर त्यागा। पर फिर भी ऑलवेज आई वॉज ऑलवेज द फर्स्ट पर्सन टू रिपोर्ट। जैसे ही मुझे पता पड़ता था मंदिर पास में ही है, उज्जैन इज नियर बाय, तो मैं 4 घंटे में पहुंच जाता हूँ। और घर वाले इस चीज से काफी काफी खुश हैं कि ब्रह्मचारी बनने के बावजूद, सब कुछ त्यागने के बावजूद भी कुछ भी होने पर सबसे पहले मुसीबत में मैं ही पहुंचता हूँ। तो इसलिए उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर अभी तक बना हुआ है, और जितना भी मैं प्रयास कर पा रहा हूँ उनको, उनका सहयोग करने का, और वो भी काफी सपोर्ट करते हैं, समझते हैं कि मैं जो हूँ बगैर ब्रह्मचारी बन गया हूँ तो मुझे सेवा के लिए वापस जाना पड़ेगा। तो सारी जिम्मेदारियां प्रयत्न कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं सारी निभा पा रहा हूँ, लेकिन बहुत कुछ जो है, लगभग ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई एम ट्राइंग टू डू। तो इससे मैंने ये सीखा कि कुछ भी करके कभी विपत्ति भी आपके जीवन में आए, और अगर आप ब्रह्मचारी भी हैं, अगर आपने भगवान की शरण ली है, आप अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। अगर आप, तो मेरे शिक्षा गुरु श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी कहते हैं कि अगर हम दुनिया का भला करने चले हैं तो क्या हम उस दुनिया में एक हमारे परिवार का भला नहीं कर सकते, क्या उनका ध्यान नहीं रख सकते? बिल्कुल। तो ये मेरे जीवन में व्यवहारिक रूप से हुआ, और मैं सभी भक्तों का, मेरे परिवारजनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आशीर्वाद दिया जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। दिस इज वेरी इंस्पिरेशनल प्रोजी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हम जो आपने पॉइंट कहा कि हो सकता है मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा होता तो मैं इतनी जल्दी पहुंच भी नहीं पाता, इतनी छुट्टियां भी नहीं मिल पाती है, पर भले ही आपने सब कुछ त्याग दिया है, परंतु जब जरूरत पड़ी तो आप सबसे पहले हैं जो कि अपने परिवार के समक्ष खड़े हो जाते हैं। और ये आपने बहुत ही सुंदर बात कोट की कि जब हम दुनिया को उद्धार करने के लिए बैठे हैं, दुनिया की सेवा करने के लिए बैठे हैं, तो क्या हम अपने परिवार की नहीं कर सकते? और भक्त होते हुए हमारी मेरे ख्याल से पहली तो ये जिम्मेदारी आ जाती है, जहाँ पर हम दुनिया के लिए सब कुछ करने को तैयार है तो सबसे पहले हमारा परिवार हमारे साथ, यदि उनको हमने ये कर दिया तो उनका भगवान में विश्वास बड़ा तीव्र हो जाता है, बड़ा स्ट्रांग हो जाता है कि भले ही ये बच्चा हमारा भक्त बन चुका है, ब्रह्मचारी बन चुका है, पर फिर भी जब भी जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले अपने परिवार के साथ में उपस्थित रहते हैं। दर्शकों, दिस इज एक्चुअली व्हाट इज इस्कॉन, दिस इज एक्चुअली व्हाट इज अ रियल ब्रह्मचारी लाइफ, जहां पर भक्त एक्चुअली एम्पैथी, एक शब्द आता है अंग्रेजी में बीइंग एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक का अर्थ होता है आप उस व्यक्ति के, इन इंग्लिश वी कैन से यू एंटर द शूज ऑफ दैट पर्सन, अपने आप को उस परिस्थिति में खड़े कर उस व्यक्ति की फीलिंग को समझने की कोशिश करते, ना कि उनको सिर्फ एक सिंपथी दिखाते हो, दया दिखा देते हो। दया हम किसी को भी दिखा सकते हैं, पर उस व्यक्ति की परिस्थिति में खड़े होकर उस व्यक्ति की सेवा करना और उनके समक्ष उनके साथ खड़े रहना सबसे बड़ी मुश्किल कार्य होता है। तो प्रभु जी, जैसे आपने कहा, ये बहुत ही मुश्किल है, किसी एक व्यक्ति की मृत्यु यदि परिवार में हो जाए तो बहुत कठिन होता है उसको डाइजेस्ट करना, और आपने 2 ही वर्षों में 3 ऐसे सिचुएशंस, और आज जैसे आपने कहा 4th अप्रैल, आज तो बस कुछ ही दिन हुए हैं, तो टुडे इज जस्ट 9th, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 5 टू 7 डेज जो कि पास हुए हैं। सो इट्स एक्चुअली a very much learning lesson for us. So, Guruji, how do you balance your emotions this time? And Darshako, ye bilkul samajhiye, kyunki brahmachari ban jate hain hum, to emotions to khidki ke bahar fake nahi diye jate hain. Emotions obviously rehte hain. Because Prabhuji ne kaha tha shuruaat mein hi, yadi aapne dhyan diya tha, ki bhakti mein prerna lane ke liye unke dadaji
से उन्होंने बहुत प्रेरणा ली थी कि जो डिसिप्लिन्स उन्होंने सीखे थे उनसे. तो प्रुजी, हाउ डू यू मैनेज योर इमोशंस? आई नो इट विल बी डिफरेंट वे ऑफ हैंडलिंग इट, बिकॉज आपने पहले ही सब चीजों को पीछे त्याग कर ब्रह्मचर्य में प्रवेश किया था, परंतु उस परिस्थिति में खड़े रहना, सेवा करना, और फिर उन व्यक्ति एक-एक करके तुरंत तुरंत ही उनका शरीर त्याग देना एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर इमोशन? आप अपने भावनाओं को कैसे समेटते हैं ऐसे समय पर? जी माता जी, बहुत ही व्यवहारिक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। शुरू से स्टार्ट करते हैं। जब मेरी माता जी का निधन हुआ, व्हेन शी लेफ्ट हर बॉडी, सो आई वाज टेकन अबैक। तो मुझे झटका लगा था कि ये क्या हो गया एकदम, क्योंकि आई वाज वेरी अटैच टू माई मदर। एवरी वन इज अटैच टू देयर मदर, तो वो उसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। बट माई मदर वॉज नॉट एज सच अ डिवोटी, बट उन्होंने बचपन से ही मुझे रामायण महाभारत की शिक्षा वो दिया करती थी, टीवी पर भी दिखाकर और कहानी के रूप में सुनाकर। तो वो वैल्यूज हमेशा मैं अभी तक कैरी करता हूँ। और कुछ जो ह्यूमन वैल्यूज होती हैं, जो हमेशा वो बताया करती थी कि हमें जो है खाने की बहुत इज्जत करनी चाहिए, बड़ों का काफी रिस्पेक्ट करना चाहिए, जैसा बोला जाए सब बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। तो वो बेसिक बिल्डअप उन्होंने पहले से ही दिया था। सो आई वॉज वेरी मच ग्रेटफुल टू हर एंड आई वॉज वेरी मच अटैच टू हर। लेकिन जब उनका देहांत हुआ मुझे बहुत परेशानी हुई, लेकिन फिर कहीं ना कहीं मैं प्रैक्टिकल बात बताऊंगा, मैंने मेरे इमोशंस को दबा कर ही रखा, क्योंकि मुझे घर संभालना था। आई हैड टू टेक केयर ऑफ माई फादर, माई ब्रदर, माई अदर फैमिली मेम्बर्स, और वो सब भी यही प्रयास कर रहे थे कि वो सब मुझे संभालें। तो सबका एक सहयोग था आपस में एक दूसरे को संभालने का। एंड देन व्हेन माई फादर लेफ्ट, दैट वॉज द ग्रेटेस्ट शॉक ऑफ माई लाइफ, जो कि अभी तक मैं उसको फील करता हूँ, क्योंकि ही वॉज सो हार्ड वर्किंग एंड ही ऑलवेज टॉट मी दैट वी शुड वर्क हार्ड एंड वी शुड वर्क फॉर रिलीजन। हमें धर्म के लिए जीवन जीना चाहिए सर, बिकॉज ही वॉज काइंड ऑफ क्षत्रिय स्पिरिटेड पर्सन। बट ही ऑल्सो लेफ्ट, तो उस समय भी सेम परिवार का ध्यान रखना, हर समय खड़े रहना, वो सब चलता रहा। इमोशंस हमेशा आते रहे। और जैसे कि हम दृष्टांत सुनते हैं भगवत गीता में, महाभारत में, अर्जुन ने पहले दिन भगवत गीता सुनी, लेकिन जब 14वें दिन उनके पुत्र अभिमन्यु का वध हुआ, तो ऐसा नहीं था कि अर्जुन को भावनाएं नहीं आई थी। और भगवान ने भी अर्जुन को डांटा नहीं कि अरे बेवकूफ, पहले ही दिन भगवत गीता आपको पढ़ाई है, अभी फिर रो क्यों रहे, क्या तुमने अच्छे से सीखा नहीं। नहीं, भगवान भी उस समय भावुक थे, क्योंकि अभिमन्यु उनके भांजे थे। अर्जुन उस समय भावुक थे, क्योंकि वो उनके पुत्र थे। सो दीस आर वेरी वेरी नेचुरल थिंग्स। ऐसा नहीं है आप डिवोटी बनोगे यू यू बिकम स्टोन हार्टेड, नो, यू फील फॉर एवरीवन। जो भक्त चींटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो किसी जीव के नुकसान पर कैसे सुखी रह सकते। और अभी सिमिलर सिचुएशन अभी हुआ, तो अभी आई वॉज वेरी वेरी इमोशनल। तो ये मोमेंट्स भी लाइफ में आए, बट आई वॉज ऑलवेज ग्रेटफुल टू लॉर्ड कि उन्होंने मेरे जीवन में मेरे जीवन के ऐसे सूत्रधार भेजे, मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरे दादाजी, जो कि मुझे जबरदस्ती भागवत कथा में ले जाया करते थे। तो शुरुआत से ही वो इंक्लिनेशन रहा। तो हाँ, दुख होता है कि मेरे जीवन के जो स्तंभ थे वो चले गए हैं, लेकिन यह मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ भगवान का और भक्तों का, कि हर समय हर परिस्थिति में वो मेरे साथ खड़े हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर भगवान को जीवन समर्पित करते हैं, तो आपके जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, भगवान आपको नहीं छोड़ सकते, आपका कभी भी बुरा नहीं हो सकता। न मे भक्ता प्रणश्यति, ऐसा भगवान ने गीता में प्रॉमिस किया, लॉर्ड हैज प्रॉमिस्ड नथिंग बैड विल हैपन। तो जीवन की घड़ियां हैं, ये काल का चक्र है, जीवात्माएं आती हैं और अपने निर्धारित समय से चली जाती हैं, लेकिन हमें भगवान की भक्ति और प्रगाढ़ करनी चाहिए ऐसे विपरीत परिस्थिति में। तो हमें श्रद्धा हमारी कम नहीं होनी चाहिए कि भगवान ने ऐसा कैसा कर दिया, अब मैं माला नहीं करूंगा, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी भक्ति और बढ़नी चाहिए कि भगवान भी हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, दीज आर वेरी डीप थिंग्स. ये बहुत ही गहरी बातें आपने हमें बताई है और बहुत प्रैक्टिकल चीज़, बिकॉज आपने अपने स्वयं एक्सपीरियंस से बताया है.
आई एम श्योर ये दर्शकों को हृदय को ये बात छू गई होंगी, ताकि वो भी ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को संभल सके। दर्शकों अब आपका समय शुरू होता है, प्रभु जी से आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे निवेदन है जल्दी से कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम बस कुछ ही पलों में आपके प्रश्नों को प्रभु जी के साथ लेना शुरू करेंगे। थैंक यू प्रभु जी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी जो बात आपने कही कि अबाउट इमोशंस, क्योंकि हम हमेशा भले ही कोई भी परिस्थिति में व्यक्ति हो, ऐसा कहा जाता है वुमेन्स आर इमोशनल और मेन आर नॉट, और यदि कोई ब्रह्मचारी बन जाए फिर तो ऐसा समझा जाता है कि हाँ इनमें तो कोई जब घर ही त्याग दिया तो इन इमोशंस होगा ही क्यों, पर अ ह्यूमन इज अ ह्यूमन, एक इंसान इंसान ही होता है। और जैसे आपने कहा कि इमोशंस आते थे परंतु बट फॉर अ हायर कॉज, हमने उस इमोशंस को ऐसा नहीं कि रोक दिया या फिर संभाल के रखा उनको, परंतु उस परिस्थिति में जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य था हमने वो किया। सो ये बहुत ही सराहनीय बात है प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। और परिवार के साथ खड़े रहना इन परिस्थितियों में हमें बहुत इंस्पिरेशनल लगा। और जो आपने बात कही अबाउट जॉइंट फैमिलीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल थिंग है। आजकल के समय पे शहरों में स्पेसिफिकली जॉइंट फैमिली सिस्टम रहा ही नहीं है। जॉइंट फैमिली क्या कहे, न्यूक्लियर फैमिलीज भी नहीं रह पाती, माता पिता अकेले रहते हैं, बच्चे अकेले रहते हैं, और साथ में यदि रहना भी चाहते हैं तो परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती है कि वो साथ रह सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब एक जॉइंट फैमिली साथ रहे, और आपने जो पॉइंट्स कहे कि प्रेम बिल्कुल कभी डिफरेंशिएशन ऐसा आया ही नहीं कि ये अलग परिवार है, हम एक ही है, माता पिता है, दादा दादी है, चाचा चाची है, उनके बच्चे हैं, हम सब एक जैसे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज कॉल्ड एज अ फैमिली। और ऐसे परिस्थिति में जो व्यक्ति ग्रो करता है वो बहुत डिफरेंटली ग्रो करते हैं, एंड आई बिलीव इसीलिए आपके जीवन में बिकॉज इतने दिव्य पेरेंट्स थे, स्पेशल पेरेंट्स थे, इसीलिए आपकी लाइफ में जो डिसिप्लिन एस्पेक्ट आपने कहा वो भी हमेशा से बहुत अच्छी तरह से रहा। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आज आपने हमें बहुत इंस्पायर किया है अपनी ये ब्यूटीफुल सी जर्नी प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस के साथ हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो इफ यू परमिट नाउ प्रभु जी, हम अपने दर्शकों से प्रश्न लेना चाहते हैं। जी जी श्योर श्योर, यस। तो दर्शकों आइए लेते हैं आज सबसे पहला प्रश्न आप में से किसका है देखते हैं। So the first question is going to be asked to us from Dhiru Verma. He's asking how to practice good sadhana status when we are away from devotees association. वे कह रहे हैं कि अपनी साधना को हम कैसे अच्छे से करें यदि हम भक्तों के संगति से दूर है तो। इस प्रश्न जी ये काफी व्यवहारिक प्रश्न है क्योंकि मैं खुद ही अभी भक्तों की संगति से दूर हूं। I am not directly in temple. बट मेरा मानना यह है कि अगर हम भक्तों के संपर्क में रहेंगे, संपर्क से एक और चीज मैं बता दूं, उसका अर्थ ये नहीं कि आप केवल बात करें और व्हाट्सएप पे चैटिंग करें, उसको संपर्क में रहना नहीं कहते। आप भक्तों से श्रवण करें और अपनी साधना की रिपोर्ट वरिष्ठ भक्तों को भेजें, तो अगर आप कमिटेड रहेंगे, अगर आप रिपोर्टिंग करते रहेंगे तो आपकी साधना जो है आपके व्यवहारिक जीवन में उतनी अच्छी होती जाएगी। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी साधना भक्तों के डिवोटी एसोसिएशन के बगैर भी आप अपनी साधना मेंटेन कर सकते हैं। और इसका ब्रह्मास्त्र उत्तर, जल्दी से जल्दी भक्तों के संग में आए, ज्यादा दूर ना रहे। थैंक यू प्रभु जी, आइए लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमें पूछ रहे हैं अनिल रघुवंशी। आई एम फ्रॉम गुना एंड पर्सनली know him well. He is really an inspiration for all of us. And when he used to give lecture in Guna, Hare Krishna Center, it really inspired us to do more and more bhakti seriously. Hare bol, ye ek Anil Prabhuji ka Prabhuji ke liye comment hai. We keh rahe hain ki Prabhuji, Anil ji bhi swayam Guna se hain aur ve swayam jante hain Prabhuji ko. Prabhuji se ve badi prerna lete hain. और जब प्रभु जी स्वयं गुना के सेंटर में, हरे कृष्णा सेंटर में जब वो प्रवचन देते हैं तो बड़े ही इंस्पायर होते हैं कि कितनी तीव्रता से वे भक्ति और कर सके। थैंक यू अनिल जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। राधे राधे, इस्कॉन से कैसे जुड़े? जी काफी अच्छा प्रश्न है। इस्कॉन से जुड़ने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप नजदीकी इस्कॉन केंद्र में जाएं,
या आपके शहर में नहीं है तो किसी और शहर में जाकर भक्तों से संपर्क करें, और जहां रह रहे हैं वहां पर रहें, अपनी माला का जप, भगवान के नाम का जप करें, जो आप प्रसाद ग्रहण करते हैं खाना, भगवान को भोग अर्पण करें फिर प्रसाद ग्रहण करें, और नियमित रूप से भक्तों का संग करें, भक्तों का संपर्क निकालें अपने शहर में, उनके साथ संग करें, और अगर मंदिर या कोई केंद्र आपके पास है तो वहां जाकर भक्तों का संग करें नियमित रूप से। जुड़ने के लिए कोई मेंबरशिप कार्ड आईडी कुछ ऐसा नहीं लगता है, इट इज वेरी इजी टू ज्वाइन इसको। थैंक यू, थैंक यू प्रभु जी। दर्शकों, आपको स्क्रीन पे एक नंबर भी दिख रहा है, आप हरे कृष्ण टीवी का यह संपर्क नंबर है, कॉल सेंटर नंबर। आप यदि जैसे प्रभु जी ने कहा जुड़ना चाहते हैं तो इस कॉल सेंटर के बारे में आप जानकारी हरे कृष्ण टीवी पर फोन करके ले सकते हैं। सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक ये कॉल सेंटर नंबर चालू रहता है, कभी भी किसी भी समय पर आप पूछकर मार्गदर्शन ले सकते हैं, वो भी मुफ्त में। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ, और अगला प्रश्न इस प्रकार हमारे स्क्रीन पर है विशाल नंदा जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं एक लड़की में आसक्त हो गया हूँ, हर वक्त याद आती है उसकी, इज अट्रैक्शन रॉन्ग? इफ यस, हाउ टू डील? शी इज नॉट डिवोटी एंड लाइक्स टू स्पेंड मोर टाइम विद बॉयज। ओहो, ये तो टूटे दिल का केस है। एक्चुअली मुझसे ये प्रश्न पूछना वैसा ही है कि कोई हनुमान जी के पास जाकर प्रार्थना करे कि मेरी शादी करा दो। तो जिस चीज में हमें ही एक्सपर्टीज नहीं है वो, लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा विशाल प्रभु जी कि यस, अट्रैक्शन इज नॉट रॉन्ग, इट इज वेरी नेचुरल। ये बहुत ही स्वाभाविक है कि एक पुरुष एक स्त्री से आसक्त होता है और एक स्त्री एक पुरुष से आसक्त होती है। लेकिन देखिए, ये सब भी करने का एक वैदिक शास्त्रों में एक तरीका है। जैसे कि जब आप पहले अपना करियर बनाएं, आपकी लाइफ अच्छे से रखें, सेटल योर सेल्फ, मेंटेन योर फैमिली नाइसली, फिर आपके घर वालों की अनुमति से, अगर आपको भी कोई पसंद है, लेकिन फिर भी घर वालों की अनुमति से ही आप अपना संबंध आगे बढ़ाएं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और करियर बना रहे हैं उसी समय, कहते हैं ना, आपका दिल फंस गया किसी के साथ, पहला पहला प्यार, पहली पहली बार, तो इन सब चक्करों में आप कृपया करके ना पड़े। आप फर्स्ट सेटल योर सेल्फ, मेक अ गुड करियर, एंड विद प्रॉपर परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स, विद अ गुड गर्ल, फाइंड अ डिवोटी गर्ल हु इज प्रैक्टिसिंग नाइसली, फिर आप अपना परिवार जो है आगे बढ़ाएं। अट्रैक्शन स्वाभाविक है, लेकिन पहले आप अपना जीवन स्थिर करें, अच्छे से भक्ति करें, और अगर उनका भी अट्रैक्शन आपके लिए रहेगा, देन शी विल कम विद यू, शी विल प्रैक्टिस, वो भी आपके साथ भक्त बनेंगे, और अगर नहीं बन रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वो नहीं बने हैं आपके लिए। सो मूव अहेड, और अधिक जानकारी के लिए आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, थैंक यू प्रभु जी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। मेघना पाटकी जी का यह प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं एक डिवोटी हूँ, 16 राउंड चैंटिंग करती हूँ, बट चैंटिंग करते समय मेरा हाथ ऊपर नीचे होता है, बीड बैग है। जहां तक मैं प्रश्न को समझ पाया हूँ, चैंटिंग करते समय हाथ ऊपर नीचे होता है, उंगली अस्पताल है। हाँ, उंगली तो फिर या उंगली या फिंगर्स आर मूव। मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप बताता हूँ, मतलब और एक एडवाइस भी, कि जितना हम कम मूवमेंट करेंगे चैंटिंग में, उतनी चैंटिंग हमारी फोकस्ड रहेगी। जैसे कि जब हम माला का जप करते हैं और हम पूरी तरीके से हिलते हैं कि हमारे अंदर आत्मा का प्रवेश हो चुका है, तो उस प्रकार से आप ना करें, क्योंकि आप, हो सकता है आपको नींद ना आए, लेकिन आप श्रवण भी अच्छे से नहीं करते, लाइक दैट। सो आप जितना कम मूवमेंट करते हैं अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का, दैट मच विल बी वेरी वेरी, दैट्स बेनिफिशियल। तो उसकी उसका अभ्यास है वो आपके माला जप करने में करें। थैंक यू प्रभु जी। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। दर्शकों, जल्दी जल्दी से अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए, क्योंकि प्रभु जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित है बस कुछ ही क्षणों के लिए, और
इसीलिए आपके प्रश्नों को हम जल्दी से कवर करना चाहते हैं, तो अपने क्वेश्चंस को जल्दी से पोस्ट कीजिए। धीरज कपूर यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं, हाउ टू इंक्रीज आवर फेथ टुवर्ड्स आवर गुरु, गुरु के प्रति अपना विश्वास कैसे बढ़ाएं? जी, ये भी काफी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है एक साधक भक्त के लिए। इसका बहुत ही साधारण उत्तर है, साधारण नहीं है बट सिंपल उत्तर है कि आप अपने गुरु से ज्यादा श्रवण करें और ज्यादा से ज्यादा उनका संग करने का प्रयास करें। जब भी वहां आए तो उनकी सेवा करने का प्रयास करें, उनकी वपू की सेवा करने का प्रयास करें, और उससे ज्यादा उनकी वाणी से आसक्त हो। ट्राई टू गेट अटैच टू हिज वर्ड्स, टू हिज इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलो दैट। और एक और प्रैक्टिकल चीज जो मैं आपको बताता हूँ, इफ यू वॉन्ट टू गेट अटैच टू योर गुरु, यू नो, इंक्रीज योर हियरिंग ऑफ गुरुज ग्लोरीज, गुरु की महिमा के बारे में सुने दूसरे भक्तों से, शास्त्रों से। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका, आपके गुरु के प्रति निष्ठा में आपका बहुत विकास होगा। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। इट वॉज वेरी प्रैक्टिकल थिंग, बिकॉज ये बहुत ही मुश्किल चीज होती है। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, परंतु गुरु को कैसे अपना आपको समर्पित करे या गुरु चुने, उन्हें ये समझ नहीं आता है। तो या थैंक यू प्रभु जी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न निकिता का है, हरे कृष्ण प्रभु जी, भक्ति के साथ स्टडी का रूटीन कैसे बनाएं? ओके, दिस इज आल्सो, एक्चुअली इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट निकिता माता जी। क्या होता है कि हम हमारा शेड्यूल बहुत टॉपसी टर्वी होता है, हम रात को पढ़ते हैं, सुबह सो जाते हैं, तो इसलिए हमें भक्ति के कार्यों के लिए समय नहीं मिल पाता। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी टिप देता हूँ जो कि मैंने खुद मेरे जीवन में करी, क्योंकि मैं खुद भी बैलेंस करने का प्रयास करता था। आप रात में जल्दी सो जाएं, जो कि आपके पास आपका सबसे बड़ा शत्रु है मोबाइल, उसको ज्यादा ना चलाएं। रात में जल्दी सो जाएं और सुबह भी जल्दी उठें, आपकी माला का जप करें, थोड़ा शास्त्र पढ़ें, भगवद गीता पढ़ें, एंड देन यू हैव योर होल डे फॉर स्टडिंग, फॉर कॉलेज, फॉर योर वर्क। आप सुबह का रूटीन सेट करिए, जल्दी उठिए और उस समय आपकी माला जप और आपकी साधना कर लें, और फिर आपका जो वर्क है, स्टडी है, जो भी है, वो संतुलित अपने आप हो जाएगा। आपको बस जल्दी सोना है और जल्दी उठना है और आपकी साधना सुबह ही हो जाया करेगी। और ये अगर नहीं हुआ तो आपकी साधना रात भर चलेगी। तो सुबह जल्दी उठने का प्रोग्राम अगर हम बना लेते हैं तो साधना काफी सरल हो जाती है। हरे कृष्ण। आई थिंक यू आर म्यूटेड माता जी। या प्रभु जी, सॉरी, आपने तो प्रभु जी बिल्कुल एक रहस्य, सीक्रेट शेयर कर दिया है आज, जो एक्चुअली बहुत ही डिफिकल्ट है, पर अगर कर लिया जाए तो हमारी साधना लाइफ बहुत ही इजी एंड ब्यूटीफुल हो सकती है। बिकॉज आज के कलयुगी प्रभाव की वजह से इंसान जागता ही रात को है, जहाँ पर एक तरफ आप बता रहे हैं कि जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो ये दोनों ही नहीं होता। रात को नींद नहीं आती, सुबह नींद खुलती नहीं है। ये सभी युवकों की, स्टूडेंट्स की, या जो स्टडी लाइफ में है, ये सबकी प्रॉब्लम रहती है। वर्क जॉब जैसे ही करना शुरू करे तो ऑफिस के टाइम के अनुसार भागना पड़ता है, बट एज अ स्टूडेंट तो बहुत मुश्किल है। बट एज यू सेड, इट्स वेरी नाइस थिंग जो आपने एक्चुअली प्रैक्टिकली किया है अपने जीवन में। थैंक यू प्रभु जी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न हमें पूछ रहे हैं केवल, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा बेटा 12 साल का है, गुरुकुल लोकेशन बताइए। ओके, सो बहुत अलग अलग जगह इस्कॉन के गुरुकुल हैं, मैं डिटेल में आपको पता नहीं बता सकता उसका, बट वी हैव अवर इंटरनेशनल गुरुकुल एट मायापुर, और मायापुर में आप अपने जो आपके बालक हैं आप उनका एडमिशन, दाखिला वहां करा सकते हैं। वृंदावन में हमारे पास गुरुकुल है, और अभी तो बहुत बड़ा गुरुकुल वृंदावन में जिसका इनॉग्रेशन हुआ है, इट वॉज वेरी वेरी फेमस। So, you can get your son admitted there. आप अपने बच्चे का एडमिशन वहां पर करा सकते हैं। तो बेसिकली दो प्रमुख जो इस्कॉन के गुरुकुल हैं भारत, तो ये दो हैं जिनमें हम बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी।
आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। मुदित शर्मा जी का है प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी, व्हाट डू यू थिंक हाउ बॉलीवुड मूवीज आर अफेक्टिंग आवर कल्चर एंड व्हाट इज इट्स सॉल्यूशन। तो मुदित जी है पूछ रहे हैं, प्रभु जी आपकी क्या विचार है कि ये जो बॉलीवुड की मूवीज है ये हमारे कल्चर को कैसे बर्बाद कर रही है और इसका सॉल्यूशन क्या है? जी काफी अच्छा प्रश्न है और इसकी गहराइयों में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि किस प्रकार से कल्चर को ये बर्बाद कर रहे हैं। बट माय पॉइंट इज कि जब हम कोई भी चलचित्र देखते हैं सॉरी वो मूवी हो या मूवी का सॉन्ग हो, तो वास्तव में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वैदिक काल में जो नाट्य प्रस्तुतियां रंगमंच पर हुआ करती थी दे वर ऑलवेज बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के आधार पर होती थी, भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान राम की लीलाएं, भगवान के भक्तों की लीलाएं। तो सब लोग ये सोचते थे कि हमें इससे कुछ सीखना है और ऐसा ही हमें भी पालन करना है। लेकिन अभी जो है बॉलीवुड की मूवीज हैं वो कोई गाना चलेगा, हीरो एक मारता है तो आंधी आ जाती है और फिर चार लोग गिरते हैं, और फिर जब हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं तो उनके पीछे पीछे 40 लोग भी उनका उनको असिस्ट कर रहे हैं गाने में। अभी आप अगर अपनी वाइफ के साथ नाचेंगे तो कभी आपके पीछे 40-40 लोग नहीं रहेंगे, आपकी वाइफ के पीछे भी और आपके पीछे भी, इट विल नेवर हैपन। बट हम इमेजिन कर लेते हैं, जो सुख हम मूवी में देखते हैं हम उसको इमेजिन कर लेते हैं, तो इस वजह से जो है हम वास्तविकता में नहीं रह पाते। That's the main drawback which these movies do. If they are based on some good topic like patriotic topic या फिर किसी के ऊपर biopic जो inspiration बनती है वो समझ में आता है, that's natural. लेकिन अगर ऐसे गलत topics पर movies बनती हैं तो वो ना देखना ज्यादा अच्छा है। इसी प्रकार से हमारी संस्कृति पर ज्यादा ज्यादा प्रभाव डाल रही हैं क्योंकि हमारी श्रद्धा वो गिराती जा रही है ना। तो इस पे और गहराई में मैं नहीं जाऊंगा लेकिन इसका आपको सोल्यूशन देता हूं कि कम से कम बॉलीवुड की मूवीज देखें, डोंट सी टू मच मूवीज और डोंट सी नेवर सी मूवीज, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। हरे कृष्ण टीवी आपके लिए कितना कुछ लेकर आता है आपके चैनल, उसके चैनल पे, तो मैं अनुरोध करूंगा आप ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण टीवी देखें, उस पर इतना भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, दर्शन, इतना कुछ आता है, तो ज्यादा से ज्यादा वो देखें और मूवीज को साइड हटा दें। हरे कृष्ण। दर्शकों को नोट कीजिएगा कि ये प्रभु जी से निवेदन करके हमने प्रमोशन नहीं करवाया, ये मेरे खुद के वाक्य हैं, ये मुझे इसके लिए ना पैसे मिलेंगे ना मुझे इसके लिए दरखास्त की गई थी, ये मैंने खुद बताया है। हरे कृष्ण। डिस्क्लेमर, थैंक यू प्रभु जी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न हमें पूछ रहे हैं गोपाल पांडे जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हर आदमी कुछ गलत काम करते हैं पर किस उम्र तक पाप या गलत काम नहीं काउंट होते? मैंने सुना है महाभारत में 14 साल तक हमारी गलतियां माफ होती है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ काफी अच्छा रोमांचक प्रश्न पूछा है आपने, तो माफ कीजिएगा ऐसा नहीं है। आप जो भी पाप जिस भी उम्र में करते हैं आपको उसका फल मिलता है। जैसे कि कोई व्यस्क है, अगर वो आग में हाथ डालता है उसका हाथ जलेगा, और अगर कोई 2 साल का व्यक्ति, 2 साल का कोई बच्चा है, अगर उसने गैस पर हाथ लगा दिया तो जो अग्निदेव हैं उस पर कृपा नहीं करेंगे कि ये तो बच्चा है, जानता नहीं है, अभी अभी पैदा हुआ है। तो ऐसा नहीं होता है, जब भी हम कर्म करते हैं उसके फल तुरंत बनते जाते हैं। तो हमें इसलिए जीवन के हर समय पाप से मुक्त रहना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा कभी भी कंसेशन नहीं है कि आपने पाप किया और आपको उसका जो है परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। अब हालांकि जो आप बता रहे हैं 14 वर्ष तक का, तो एकादशी व्रत के लिए ये कंसेशन है, 8 वर्ष के नीचे कोई अगर बालक हो और 80 वर्ष के बाद, उनके लिए एकादशी व्रत, ऐसे कठिन व्रत जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो लोग भी पाप करेंगे तो उनको बराबर फल मिलेगा। हरे कृष्णा। जी आज तो हम एकादशी व्रत भी कठिनाइयां से तो करते नहीं, प्रभुपाद ने बड़ा आसान बना दिया, खा पी के फास्टिंग करते, तो ये भी बड़ा आसान हो चुका है। जी जी बिल्कुल।
थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, अपर्णा जी का यह प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, भक्ति के लिए गुरु बनाना जरूरी है? जी, बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न। भक्ति के लिए गुरु बनाना क्यों जरूरी है? हम किताबें पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर हरे कृष्णा टीवी देख लेंगे, हमें गुरु बनाने की क्यों जरूरत है? नहीं अपर्णा जी, अपर्णा माता जी, देखिए जब भी हम कुछ सीखते हैं, कुछ भी बचपन से हम कुछ सीखते आ रहे हैं, जैसे कि पैदा होते से, जन्म लेते से ही हमारी माँ हमें सिखाती है कि खाना कैसे है कि नहीं? और हम जब स्कूल में जाते हैं तो हमें सिखाया जाता है ABCD कैसे लिखते हैं, छोटी ABCD कैसे लिखते हैं। तो जब इतने जो है इतने सरल विषयों के लिए हमें शिक्षकों की आवश्यकता है, तो क्या भक्ति जैसे गूढ़ रहस्य के लिए क्या हमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं होगी? हमें शिक्षक की आवश्यकता हमेशा होगी आपको। हाँ, ज्ञान पुस्तकों से मिल सकता है, लेकिन आपको जो व्यवहारिक रूप से आपको मंत्रणा मिलेगी, जो प्रैक्टिकल गाइडेंस आपको मिलेगी, वो गुरु के माध्यम से मिलेगी। और उस पर अभी हम विस्तार से, इस पर पूरा सेमिनार हो सकता है कि गुरु कौन है, गुरु के लक्षण कौन क्या होते हैं, बट कभी भी भक्ति गुरु के बिना कभी भी शुरुआत इसकी नहीं कर सकते। क्यों ऐसा? अब आप सोच सकते हैं कि गुरु की क्यों जरूरत है, इससे तो कभी मैं भरोसा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। नहीं, हमें गुरु वही व्यक्ति को बनाना चाहिए जो भगवान का भक्त हो, तो भगवान का ज्ञान हमारे तक हमको प्रदान करें, वो हमारे गुरु हैं। तो गुरु खुद को भगवान ना बताएं, भगवान का ज्ञान हमारे तक लाएं, वह हमारे गुरु हैं। और जैसे कि हमारे संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उन्होंने भगवान की जो वाणी है भगवद्गीता के रूप में यथारूप प्रस्तुत करी, तो वह जगत गुरु हैं, सारे जगत के गुरु हैं। लेकिन अभी हम अभी आज के समय में, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी उपस्थित नहीं है, तो हाँ भक्ति करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता हमेशा होती है, लेकिन सही गुरु की, फैशन के रूप में गुरु ना बने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। आइए आगे बढ़ते हैं। नीलिमा जी का यह प्रश्न है, व्हेन समवन लूजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी then what should we understand? That yeah. we should understand what? Yeah. जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा राशि खो देता है, तो इसे किस रूप से समझना चाहिए? देखिए, कुछ भी आपके जीवन में होता है, चाहे आप राशि खो दें या राशि आपके पास आ जाए, either you lose money or you receive money in large amounts, everything depends on अवर कार्मिक रिएक्शन। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आए या कोई व्यक्ति आपके जीवन से चला जाए, इट डिपेंड्स ऑन अवर कार्मिक रिएक्शन। हमारे कर्मों के फल ही कहीं ना कहीं फलित हो रहे हैं और हमें घाटा हो रहा है या हमें फायदा हो रहा है। लेकिन अगर कोई भक्त बनता है, कोई भक्त बनना चाहता है, तो उसके जीवन में पैसों का घाटा हो या उसके जीवन में पैसों का आना हो, किसी व्यक्ति का आना हो या किसी व्यक्ति का जाना हो, वह हर स्थिति में यही सोचता है कि यह भगवान मुझ पर कृपा कर रहे हैं, मुझे और सुदृढ़ बना रहे हैं, मुझे और शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो इस रूप में हमें देखना चाहिए, और ये मेरे कर्मों के फल हैं। हो सकता है मेरी जान ही चली जाती, लेकिन भगवान ने केवल मेरा पैसा लिया बस। तो एक भक्त का मनोभाव इस तरीके से होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम परम पटेल, एंड द क्वेश्चन इज, हरे कृष्ण प्रभु जी, कभी लगता है कि ये संसार कर्मवाद से चल रहा है और कभी लगता है नियतिवाद से। जी, आपका कहना सही है, संसार कर्मवाद, या एक्चुअली ये दोनों टर्म्स दे आर सेम, ओनली नियति इज फेट फॉर्च्यून which is previous karmic reaction, और कर्म जो है जो हम अभी कर रहे हैं, संसार दोनों से चल रहा है। हम अभी कुछ कर्म कर रहे हैं तो उसका फल हमको आगे मिलेगा, और हम कुछ कर्म कर चुके हैं पहले, उसका फल हमको आगे भी मिल सकता है, अभी भी मिल सकता है। तो हमारे कर्मों के हिसाब से ही इस दुनिया में, कर्मों के हिसाब से यह संसार चल रहा है कि जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं,
अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका उसकी परीक्षा आगे आएगी, उससे हम आगे की क्लास में जा पाएंगे। पिछली क्लास में नहीं पढ़े तो पिछली क्लास से हम आगे की क्लास में ही नहीं आ पाएंगे। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल कर्म से या केवल नियति से, नहीं, दोनों है। हमारा पुराना भी कर्मों का फल है और हम आगे भी कर्मों का फल बना सकते हैं। इसलिए भक्ति के माध्यम से हमारे पुराना जो भी हो गया हो, हमें आगे के कर्म के फल भक्ति उन्मुखी करने चाहिए, भगवान की भक्ति करने चाहिए, जिससे अच्छा हो या बुरा हो, जो है भगवान की कृपा हम पर सदैव बनी रहे। हरे कृष्ण। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। यस यस इंडीड प्रभुजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड टू अस फ्रॉम तिलक। हरे कृष्ण प्रभु। हाउ टू मेक पेरेंट्स डिवोटीज इन आई एम इन बिगनिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम अपने माता पिता को भक्त कैसे बनाए, मैं अभी कृष्ण भावनामृत को बस शुरू कर रहा हूँ। जी, काफी जरूरी प्रश्न है ये जो भक्त हैं उनके लिए, अपने माता पिता को भक्त कैसे बनाए। सबसे पहला उत्तर, आप अपने माता पिता को भक्त ना बनाए, पहले खुद अच्छे भक्त बने, पहले खुद भक्ति करें। क्या होता है, आई टेल यू प्रैक्टिकल थिंग, हम पहले पहले भक्ति में आते हैं और भक्तों का सबसे पहले शिकार होती है उनकी माँ। सारा एक्सपेरिमेंट घर पर ही कर देंगे, सब कुछ बता देंगे, तो ये नहीं करना है। आप पहले भक्त बने, खुद को सुदृढ़ बनाएं, खुद अच्छे से भक्ति करें और घर पर ज्यादा भक्ति ना दिखाएं, घर पर अपने माँ बाप का बेटा बन के रहें, जैसा वो बोले वैसा काम करें। वो अगर आपको मार्केट में सब्जी लाने भेजें तो जाएं, आपकी बहन को स्कूल छोड़ने के लिए भेजें तो जाएं। मैं अभी भी सैफरॉन ड्रेस में भी आई परचेज वेजिटेबल्स, मैं मेरी बहन को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, लेने जाता हूँ, आई हैव डन एवरीथिंग। और घर वाले मुझे समझते नहीं कि मैं बहुत साधु महात्मा बन चुका हूँ, दे कंसिडर मी एज देयर सन, अभी भी डांट खाता हूँ। तो मैं सब कुछ काम करता हूँ। व्हेन यू आर एट होम बिकम देयर सन, डोंट बिकम डिवोटी, है कि नहीं, ये आपका कर्तव्य है। अगर आप ऐसा करेंगे तो उनको लगेगा कि इस्कॉन में जाने के बाद मेरा बच्चा और अच्छा हो गया है, तो अगर ये इस्कॉन में चला भी जाता है तो कोई दुख की बात नहीं है, ये तो अच्छा ही बन रहा है। तो अपने भक्ति के भाव घर पर ना दिखा दें, घर पर बिकम अ वेरी ड्यूटीफुल सन ऑफ योर पेरेंट्स, जैसा वो बोले वैसा करें। थोड़ा अपना नियम आपका रहेगा 16 माला करने का, आप प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, इन सब चीजों का, बट फॉलो देम, आप अच्छे से घर पर उनका बेटा बन के रहें, फिर वो खुद भक्त बनेंगे। अगर भक्त नहीं भी बनेंगे, कम से कम आपको कभी नहीं रोकेंगे, वो आपको आशीर्वाद ही देंगे हमेशा। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन, आई टुक लॉन्ग, सॉरी फॉर दैट, बट इट वाज नेसेसरी, थैंक यू। इट इज वेरी नेसेसरी, ये जो आपने पॉइंट कहा प्रभु जी, ये बहुत बहुत सही है। हम जैसे ही भक्ति करते हैं ना, सबसे पहले पूरा ज्ञान घर पे ही देते हैं। आपने बहुत सही पॉइंट कहा, माता को सारा का सारा ज्ञान, जैसे कि इन्हीं को भक्त बनाना, बिकॉज शी इज अ सॉफ्ट टारगेट एंड वो अपना बच्चा है, इसीलिए वो सारी बातें सुनती है। पर हम वो नहीं सोचते कि मेरे एक एक शब्द उनको कितनी तीर की तरह उनके हृदय को छूते हैं, कि यही बच्चा जिसको मैंने सब चीजें सिखाई, आज उल्टा ये मुझे सिखाए, तकलीफ नहीं है पर तानों के रूप में यदि वो सिखाए तो वो बहुत दर्द करती है बात, कि आज बच्चा क्योंकि इस्कॉन से जुड़ गया है इसीलिए मुझे ही उल्टा सिखाता है, खुद तो कुछ नहीं करता, सारे ज्ञान की बातें मुझे ही प्रदान कर देता है। तो हमें वो डेवलप करना खुद जरूरी, कि स्वयं अच्छे भक्त बन जाइए, बाकी सब कुछ ठीक है, जैसा है वो चलता जाएगा। दैट वाज एक्चुअली वेरी मच नीडेड, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, इट्स फ्रॉम निकिता। प्रभु जी, 6 से 12 साल के बच्चों को माला करते हुए मन नहीं लगता, उनके चंचल मन चटपट होती है, जैसे जेफी माला खत्म, जल्दी जल्दी माला खत्म करें और खेलने चले। हाँ, जल्दी माला खत्म करें। इट्स वेरी वेरी नेचुरल माताजी, अगेन निकिता माताजी, कि बच्चों का जो है कभी माला में मन नहीं लगता है, और ये तो जो भक्त भी होते हैं उनकी भी, बच्चे अगर छोटे होते हैं तो माला में उनका मन नहीं लगता, वो प्रसाद की तरफ भागते हैं, कीर्तन की तरफ भागते हैं, क्योंकि माला में मन जब, मतलब हमारा ही लगना मुश्किल हो जाता है, तो वो तो
बच्चे हैं, तो इतना दे, हाँ उनको माला कराइए, उनकी माला की आदत डालिए। सबसे पहले मैं चीज आपको बोलूंगा, आप एक अच्छा उदाहरण बनिए उनके लिए कि आप बैठकर शांति से माला करते हैं। बिकॉज व्हाट्स द केस विद चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ग्रैस्प थिंग्स। अगर वो देखेंगे कि आप टीवी देखते समय या खाना बनाते समय माला कर रहे हैं, तो उन्हें भी लगेगा माला कोई सी माला करना कोई सीरियस एक्टिविटी नहीं। अगर आप अच्छे से करेंगे तो वो करने के इच्छुक होंगे, और आप जब उनको कराएंगे तो वो करने के लिए अच्छे से बैठेंगे, पहला। दूसरा कि ज्यादा देर तक बच्चे माला नहीं कर सकते, तो उन्हें माला के अलावा आपको काफी एक्टिविटीज देनी पड़ेंगी, जैसे भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में देखना, है कि नहीं? रामायण महाभारत से अलग अलग कहानियां सुनाना जो कि शिक्षाप्रद है, और प्रभुपाद की पुस्तकों में से कहानियां सुनाना जो कि शिक्षाप्रद है, उनके चरित्र में निर्माण करेंगे। तो इन चीजों से बच्चे काफी आकर्षित होते हैं, और 1 घंटा बैठकर वो 2 घंटा माला नहीं कर सकते। तो इसमें दो चीजें हैं, आप खुद एक अच्छा उदाहरण बने उनके लिए, और माला के अलावा भी भक्ति रूपी जो है गतिविधियां उनको कराते रहे, सो दे विल हैव अदर ऑप्शंस ऑल्सो। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। यस प्रभु जी, बिल्कुल। आइए लेते हैं आखिरी प्रश्न आज के लिए, और आखिरी प्रश्न इस प्रकार है। हलाहल सिरजौन का यह प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी, भक्त कैसे बनूं और गीता कहाँ से मिल सकती है? जी हाँ, जैसा कि आप पूर्व में जो प्रश्न हुए उसमें बताया गया, यह आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप फोन कर कॉल सेंटर से कभी भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर मैं मौखिक रूप से भी आपको उत्तर बता देता हूँ, आपके नजदीकी हरे कृष्णा केंद्र पर जाएं और वहां से आप गीता लेने का प्रयास करें, प्रभुपाद की पुस्तकें लेने का प्रयास करें। और अगर आपके पास नहीं है, हो सकता है आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ हरे कृष्ण केंद्र नहीं है, मंदिर नहीं है, भक्त नहीं है, तो ऑनलाइन, जैसा कि आपको ऑनलाइन सुविधा यहाँ हरे कृष्ण टीवी प्रस्तुत कर रहा है, आप जानकारी लेकर किसी भी मंदिर से ऑनलाइन भगवद गीता मंगा सकते हैं। आजकल ये भी सुविधा इस्कॉन मंदिर देते हैं कि भगवद गीता आपके स्थान पर पहुंच जाए, और आप भगवद गीता पढ़ें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, 16 माला का जप करें, सुबह जल्दी उठें, भगवान को भोग अर्पण करें और वही प्रसाद रूप में लें। और धीरे धीरे जब आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो नियमित रूप से भक्तों का संग भी अपने जहां भी आप होंगे नजदीकी केंद्र में चालू करेंगे, तो इस प्रकार से आप इस्कॉन के भक्त बन सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आज अपना समय हमें प्रदान करने के लिए। तो जाने से पहले प्रभु जी, यदि आप कुछ शब्दों में कुछ आखिरी मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहें तो। जी जो भी एक्चुअली कहना था वो मैं कह ही चुका हूँ, आपने प्रश्नों के रूप में मुझसे सब कुछ वैसे भी पूछ लिया है, लेकिन मैं ये चीज दर्शकों से कहना चाहूंगा कि वास्तव में भक्ति एक बहुत ही सरल गतिविधि है। जैसे कि हम घर पर स्नेह और प्रेम रखते हैं, वैसा ही हमको भगवान और भक्तों से रखना है। इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, बस यही है कि हाँ थोड़े नियमों का पालन है जो कि हम वैसे भी करते हैं, घरों में भी करते हैं। और अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, इस्कॉन से जुड़ेंगे, तो मैं ये आपको सील पर ठोक कर कह सकता हूं कि आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ मिस कर दिया है, आपका कुछ घाटा हो गया है। अगर आप एक परिवार छोड़ेंगे या उसी परिवार के साथ भक्ति करेंगे, आपका परिवार और बढ़ जाएगा, आपके इतने सारे रिश्तेदार, इतने सारे भक्त आपके साथ रहेंगे, और जो कि आपके फैमिली में भी आपके साथ नहीं थे। We have our relatives, but they are, you know, they don't have any integrity. They are not with us when we are in difficulty. पर भगवान के जो भक्त हैं, ये संसार के सबसे श्रेष्ठ लोग। अगर आप इनके संग में रहेंगे, इनके ये जो आदेश दे रहे हैं वह करेंगे, और हमेशा भगवान की भक्ति करते रहेंगे, मेरा दावा है, मेरा क्या दावा है, मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ, भगवान का ये दावा है भगवद गीता में, आपका जीवन इस दुनिया के लिए एक उदाहरण बन जाएगा, जैसे कि अर्जुन का बना। यू विल बी एन एग्जाम्पल फॉर द होल वर्ल्ड एंड यू कैन चेंज द होल वर्ल्ड बाय योर एग्जाम्पल। सो दैट्स, दीज वर माय कंक्लूडिंग वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच माताजी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर बीइंग विद अस एंड शेयरिंग अ ब्यूटीफुल जर्नी। आई एम श्योर आपकी आज इस जर्नी से कई सारे युवक प्रेरणा लेंगे, कई सारे भक्त प्रेरणा लेंगे,
और अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण को तथा श्री प्रभुपाद को समर्पित करेंगे। और इसीलिए प्रभु जाने से पहले हम आपको सरल होम की तरफ से एक छोटा सा उपहार देना चाहते हैं। यह श्री राधे का के नाम पे लिखा हुआ एक कुशन है जो कि हम आपको हरे कृष्ण टीवी के माध्यम से एक उपहार के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। प्रभु थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। प्लेजर। थैंक यू वेरी मच माताजी, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू कंसीडर्ड मी वैल्यूएबल। आपने इतना लायक मुझे समझा कि मैं कुछ योगदान दे पाऊं। हरे कृष्ण। ये हमारा सौभाग्य था कि आप जैसे भक्त हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए जुड़े। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो दर्शकों, इसी के साथ हमारी आज की यह संध्या समाप्त होती है। प्रभु जी ने अपनी जो सुंदर सी जीवन कथा हमारे साथ शेयर की है, हमें इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि जीवन में परिस्थितियां कभी भी किसी भी समय बदल सकती है और अनेकों रूप से आ सकती है। इसीलिए जीवन को एक एग्जाम के रूप में लेकर चलिए, तैयारी सदैव कीजिए, क्योंकि अंत में या शुरुआत में या बीच में है कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो सकता है। और उस समय एग्जाम देने के लिए आपने जो जीवन में संघर्ष किया है, भगवान को अपना जीवन समर्पित किया है, जितने भी शास्त्र पढ़े हैं उससे आपके जीवन में खोखलापन खत्म होगा और ऐसे परिस्थितियों में दृढ़ता पूर्वक खड़े रहने के लिए भगवान आपको साहस प्रदान करेंगे। तो इसी प्रकार देखते रहिए हरे कृष्ण टीवी और अपने जीवन को कृष्ण भावनामृत से जोड़ते चलिए और श्लोक प्रभुपाद को समर्पित करते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। शुभ रात्रि। और कल जल्दी उठकर जैसे प्रभु जी ने बताया मंगला आरती अटेंड कर लीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जब भी अच्छी तरह से कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।